वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। और जी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और जो आज का ब्लॉग है वो भी इसी पे ही है कि भाई आज मैं सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि इस टाइम का मैंने इतने टाइम से वेट किया ना, ये मैं ही जानती हूँ। बात तो सही है। और चैनल बनाए मुझे आज 2 साल तकरीबन हो चुकी है। और ना बीच में मैंने काम नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि जीरो नॉलेज से मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब को, उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पे हूँ। अभी भी मुझे बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया, नहीं अभी भी मैंने बहुत कुछ इसके बारे में सीखना है। लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आप मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मेरी वीडियोज़ को वॉच किया। तो यकीन माने आज मैं इस जगह पे हूँ ना, तो ये सब कुछ आपकी ही बदौलत है। हम सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं बेकरी, और ना कमर्शियल मार्केट में एक बेकरी है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ मैं भी, अल्लाह करे वहाँ से मुझे केक मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जितना मैं ख्वार हो रही हूँ ना केक के लिए, वो मैं ही जानती हूँ, है ना नया नूर। तो बस अब वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर देखते अल्लाह करे मुझे मेरी मर्जी का केक मिल जाए। तो मैंने उसके ऊपर राइटिंग करवा ली थी, उसके ऊपर मैंने लिखवा दिया था हैप्पी यूट्यूब मोनेटाइजेशन। और मिनाहिल ने एक कपकेक भी लिया। जी जी अच्छा, अगर मैं इस बेकरी की बात करूँ ना, तो ओवरऑल बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आप इसकी खाली सीटिंग चेक करें कितनी अच्छी है। और मुझे ये पर्सनली तहजीब बेकरी से ज़्यादा अच्छी लगी है, और इसकी ना जो कह लें क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी। केक बहुत यम्मी था, और यहाँ पर फ्री डेकोर भी देते हैं बर्थडे वगैरह के लिए, और यहाँ पर अंदर भी सीटिंग का एरिया है। फिर केक वगैरह लिया, और रास्ते में से मैंने ये पार्टी पॉपर भी ले लिया था, और एक ये कैंडल भी ले ली थी। केक जो था वो आपने देख ही लिया होगा बेकरी पे, लेकिन मैं अभी भी इसको निकाल कर दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद इसको फ्रिज में भी रखना है। कि सबसे पहला जो काम मैंने किया ना, वो मैंने रेडी होना था, क्योंकि खुद रेडी होना था। मैंने पिक्चर्स देनी थी, इंस्टाग्राम के लिए भी पिक्चर्स देनी थी, स्टोरीज के लिए भी पिक्चर्स देनी थी, रील्स बनानी थी। तो बस मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे देखी बेला इतने मज़े से ब्लैंकेट में सो रही है यहाँ पे, और ये कह रही है कि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो। माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी ना, कि मैंने कंबल जब मैंने इसके ऊपर से साइड पे किया ना, तो ये कह रही थी कि भई मत हटाओ, मैं मज़े से हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसको थोड़ा सा प्यार श्यार किया, उसके बाद फिर मैं रेडी हुई। ड्रेस मैंने ये वाला फाइनल किया था, इसको मैंने प्रेस करके ना रेडी कर दिया था, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ना यूट्यूब का लोगो भी इसी तरह का है ना, ब्लैक रेड वाइट। तो मैंने कहा ये बहुत प्यारा लगा, इसके अंदर पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छी लगेंगी। फिर मैंने शोकेस से ना निकाली प्लेटर जो होता है, ठीक है, कांच का, वो बाहर निकाला, उसके ऊपर मैंने केक वगैरह रखा, और मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो बस मैं आपको ना सेटअप भी दिखाती हूँ। छोटा सा मैंने सेटअप बनाया, कोई ज़्यादा नहीं, बैलून्स वगैरह मेरे पास पड़े हुए थे मिनाइल के बर्थडे वाले, और वो साथ मैच भी हो रहे थे रेड और ब्लैक। तो बस मैंने ना इस दफ़ा थोड़ा इस तरह का सेटअप सिंपल सा रखा है, और फ्रंट पर मैंने ना केक और ये सब चीज़ें रख दी। जी तो बच्चे जो हैं उनको मैंने साथ रूम में रखा हुआ, ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं आराम से आपसे बात कर सकूं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। इसी बात पे सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है ना, तो आप लोगों की तरफ से मुझे कंग्रेचुलेशन इसी बात पर हो जाए कि आप लोगों की तरफ से मुबारकबाद अगर आपने मुझे देनी है ना, तो आप एक काम कर दें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सही पकड़े हैं, प्यार से कमेंट ड्रॉप कर दे नीचे, और ना लाइक कर दे मेरी वीडियो को। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अच्छी सारी पिक्चर्स जो थी वो मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए बना ली हैं, और बस अब ये है कि फैमिली का वेट है, अब हस्बैंड का वेट है, जैसे वो आएंगे तो फिर हम लोग ना केक कटिंग करेंगे। और चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। हाथ में पीछे डेकोरेशन और कुछ बैलून्स भी ऐसे नीचे पड़े हुए हैं। जी ये है हमारा केक, प्यारा सा खूबसूरत सा। जी इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो रही हूँ ना इस टाइम,
और यह फीलिंग का अंदाज़ा आप भी लगा सकते हो, खासतौर वो लोग जो लोग न्यू यूट्यूबर हैं वो भी इस फीलिंग का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक सबके लिए अच्छे वसीले बनाए, सबके लिए रास्ते आसान करे। और यूट्यूब मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ और मुझे कैसे पता चला और ये सब सारी डिटेल मैं आपको अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बताऊंगी, क्योंकि वो ही एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और अब तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। केक के ऊपर यूट्यूब लिखवाऊंगी और मोनेटाइजेशन लिखवाऊंगी, मैं कहती थी वो कब दिन होगा और मैं कैसे जाऊंगी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह केक के ऊपर मैंने ये सब कुछ लिखवाया है। इतनी अच्छी फीलिंग्स है। अभी तो ये कहते हैं ना सफर का, अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो ये इसका स्टार्ट है। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ये एक दिन आया है जिसका अभी स्टार्ट है, तो मैं बहुत अच्छी उम्मीदें रखती हूँ, बहुत अच्छा आगे मैंने बहुत अच्छा काम करना है और मैंने यही सोचा है। तो इंशाल्लाह मेरे लिए आप लोगों ने भी बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर लेके जाए, बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक इज्जत दे। बाकी बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथों में है, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करती रहनी चाहिए। मेरी दुआ है अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उन सब के चैनल को कामयाबी दे, उनको कामयाबी दे और उनकी जो जितनी भी स्ट्रगल्स हैं अल्लाह पाक उनका उनको फल दे। चलो सारे चलो बनाना आया, चलो हैप्पी टू यू टू यू नहीं बोलना, मनाही हैप्पी मोनेटाइजेशन बोलना है, ठीक है ठीक है। पता चलो एक मिनट देख लो आप लोगों को बैठे, हाँ ठीक है। यहाँ पे तो मोई मोई होगी थी हमारी। अच्छा ये सब सेलिब्रेशन तो होगी, अब इसको कौन समेटेगा मिनाहिल, इसकी सफाई कौन करेगा? बेला आपको पता नहीं चला हमने क्या कुछ कर लिया, आपको पता ही नहीं चला है? ये भी यही बही थी, वो डर के भागी थी। हेलो जी, सेलिब्रेशन हो गई है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को करना है लाइक सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आपको प्रेस कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी यहाँ पे जो क्रेजी माहौल चल रहा है ना वो चलता ही रहेगा, जो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।